आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सकुलेंट की एक वैरायटी जिसे सेनेशियो कहते हैं, और उसका भी एक खास वैरायटी है सेनेशियो का भी, वो है द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। उसका मैं बताऊंगा रिपोर्टिंग आपको। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो सेनेशियो वैरायटी है सकुलेंट्स का, ये काफ़ी हेवी हो चुका है ऊपर से अब, क्योंकि इसके लीफ और स्टेम में काफ़ी वाटर और लिक्विड भरा होता है नेचुरल। तो अब जो है इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो पॉट है वो छोटा हो गया है और जो प्लांट का साइज़ है काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके लीव्स काफ़ी हेवी हो चुके हैं, तो अब हम इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो इसका वजन है वो भी अच्छे से टॉलरेट कर ले वो बड़ा पॉट। और इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इससे इसमें जड़ें निकली हुई हैं हर ब्रांचेज में। ये देखिए यहाँ भी ये इस ब्रांच में रूट आया हुआ है, तो हम इसे भी कट करके लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ कि सकुलेंट की जो भी वेराइटी होती है उसमें उनके नेचुरल लिक्विड या यूँ कहें वाटर कंटेंट उनकी बॉडी में उनके प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस प्लांट के ग्रोथ के लिए सैंडी सॉइल का होना ज़रूरी है, इसलिए प्लांट जो है डेजर्ट या जो हमारे इंडिया में भी जो डेजर्ट्स हैं रेगिस्तान हैं बहुत सारे, जैसे राजस्थान में है तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, इससे मिट्टी से हाथ सुरक्षित रहता है। दोस्तों ये देखिए मिट्टी हमने तैयार कर रखा है इस गमले में, ये थोड़ा बड़ा गमला है हमारा। तो अब हमें जो है ये मिट्टी में आपको देखिए ये इसमें लगभग 50 से 60% सैंड है और मात्र 30 से 40% जो है इसमें हमने गार्डन सॉइल ले रखा है, और आप 5 से 10% इसमें थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिट्टी जो है बिल्कुल ही सैंडी होना चाहिए, वाटर इसमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और नीचे से आपको गमले में पॉट में जो है होल्ड करके रखना है ताकि कोई भी इसमें पानी स्टैंडिंग ना रहे, उससे इसकी जड़ें सड़ेंगी और ये सकुलेंट जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस गमले को हमने तैयार तो कर ही रखा है पहले से, हम इसमें से थोड़ा बीच में वेल कर देते हैं ताकि उस प्लांट की जड़ों को थोड़ा मिट्टी के साथ रखेंगे हम। ये देखिए मैं थोड़ा सा वेल बना दिया इस गमले में। अब आइए देखिए मैं कैसे यहाँ से इस प्लांट को यहाँ से निकालूंगा। और ये जो सकुलेंट प्लांट है सेनेसियो वैरायटी द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, हल्का सा टच होने पे भी ये टूट जाता है। तो हमें सबसे पहले पॉट को थोड़ा चारों ओर से लूजन करना होगा, थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे हल्का सा जर्क देते हुए। अब इस गमले की जो मिट्टी है ये लगभग छूट चुका है पॉट से, अब हम लोग इसको सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा से जो है इसकी हम मिट्टी को यहाँ से निकाल सकते हैं ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो फैल सके आराम से। ये देखिए अब मैं इसको जो है काफ़ी मिट्टी निकाल चुका हूँ, ज़्यादा मिट्टी निकालने पे फिर प्लांट के डेड होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए अब मैं इसको रिपोर्ट कर देता हूँ इस गमले में, और जो खाली जगह है उसको फिर हम मिट्टी से भर देंगे। सैंडी मिट्टी जैसा मैंने बताया था आपको, लगभग 60% सैंड होगा उसमें। ये देखिए कितना डेलिकेट है, ये आसानी से टूट भी जाता है, इसको हम अलग से रिपोर्ट कर लेंगे। इसको हम अलग से जो है इसको हम लगा लेंगे, और इसमें जड़ें तो निकली होती हैं टाइनी रूट्स, तो उससे फिर नए प्लांट निकल जाएंगे। ये देखिए मैंने इस प्लांट को इसमें रख के अच्छे से दबा दिया है मिट्टी के साथ। और इस प्लांट को जो है गर्मियों में हम पानी एक बार देंगे 7 दिन में, और सर्दियों में 15 दिनों में देंगे, जिससे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो हम इसमें पानी डाल देते हैं, अगला पानी मैं 7 दिन के बाद डालूंगा। अब हमने ये रिपोर्ट कर लिया है प्लांट, अब हम इसे शेडी एरिया में रख देंगे। तो ये था सकुलेंट
सेनेशियो का जो एक वैरायटी द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसका रिपोर्टिंग।